2014 के लोकसभा चुनाव में चूंकि कांग्रेस अब 2019 का लोकसभा चुनाव में भरोसे जीतने की जुगत बना रही है। अयोध्या पहुंचे यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष केशव चंद यादव ने कहा कि जिस तरह से 5 राज्यों की विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी ने युवाओं पर भरोसा जताया है, उसी तरह से लोकसभा चुनाव में भी युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित होगी। केशव चंद यादव ने दावा किया कि 5 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बन रही है और वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस केंद्र में भी सरकार बनाएगी। अयोध्या पहुंचे यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष केशव चंद यादव ने युवाओं की भागीदारी पर जवाब देते हुए कहा कि राहुल गांधी ने 5 राज्यों की विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा टिकट युवाओं को दिया। राहुल गांधी युवाओं पर भरोसा कर रहे हैं और आने वाले लोकसभा चुनाव में भी युवाओं की अच्छी भागीदारी होगी। ये युवा विंग अभी 5 राज्यों के जो चुनाव हुए, मैं उससे उदाहरण दूंगा आपको कि माननीय राहुल गांधी जी के निर्देश पर भारतीय युवा कांग्रेस ने देश भर के तमाम हम युवा साथी इन 5 राज्यों में लगे थे। जैसा कि आप सभी मीडिया साथियों की रिपोर्ट आ रही है और मैं स्पष्ट कर दूं कि हमारे जितने भी साथी लगे थे उनकी जो रिपोर्ट है उसके आधार पर 5 राज्यों में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं। और दूसरा जो प्लस पॉइंट ये है कि माननीय राहुल गांधी जी ने इन तीनों चारों राज्यों में जिस तरीके से बड़े पैमाने पर युवाओं को चुनाव लड़ने का मौका दिया, MLA का टिकट दिया, उससे भी युवाओं में एक उत्साह की भावना है। और भारतीय जनता पार्टी ने, मैं आपको बता दूं, आप पता कर लीजिएगा, मध्य प्रदेश में एक भी टिकट किसी युवा को नहीं दिया। तो नौजवानों को उन्होंने रोजगार में भी ठका, टिकट में भी ठग रहे हैं, शोषण करा रहे हैं और लास्ट में भेज देते हैं किसके पास, वो जो एक मंत्री उनके पकड़ाए थे मध्य प्रदेश में, उसके बाद जुल्म करने के लिए। और कांग्रेस पार्टी युवाओं के साथ कदम से कदम मिला के चल रही है आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में। उन्हीं युवाओं के भरोसे भरोसा है कि जिनके साथ हमने भरोसा जीतने का काम किया है वो जनता का भरोसा जिताने में काम सहयोगी होंगे और कांग्रेस पार्टी 2019 में सरकार बनाने में सफल होगी। आदरणीय राहुल गांधी जी का स्पष्ट कहना है, CWC की मीटिंग में तय हुआ कि 45 वर्ष की उम्र तक के अधिकतम युवाओं को हम चुनाव लड़ाएंगे। यह कहानी राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, मिजोरम और छत्तीसगढ़ के चुनाव में दोहराई गई है, प्रूफ साबित हुआ है। आने वाले लोकसभा चुनाव में भी वही परिणति दोहराई जाएगी। आदरणीय राहुल गांधी जी का कहना है कि ज्यादा से ज्यादा युवाओं की हम भागीदारी कराएंगे। समय पर ड्रामा करते रहते हैं सभी, सुंदर परिषद बजरंगी वाले, योगी आदित्यनाथ बजरंग बली की जाति बजाने जा रहे हैं राजस्थान में, आ इधर बजरंगी इंस्पेक्टर को दौड़ा के गोली मार रहे हैं। इन बजरंगियों की यही चाल है, सिर्फ राजनीति का मतलब है नाटक ड्रामा करना। संघ परिवार और भारतीय जनता पार्टी अंदर से इनको भेज के कराती है। देश के सम्मानित साधु और महात्मा गणों ने, जो जबलपुर में अभी अधिवेशन हुआ था, उन्होंने पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी और इनकी नीतियों का बहिष्कार किया। उन्होंने घोषणा किया कि हम लोगों को ठगा जा रहा है और सिर्फ और सिर्फ चुनाव में इस्तेमाल किया जा रहा है। देश के किसान और नौजवान समझ गए थे, साधु महात्मा गण भी समझ चुके हैं, उसका जवाब इनको 2019 में मिलेगा स्पष्ट।